वाराणसी में आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के अल अवसर पर द गहनी एवं आन्या मगीनी फाउंडेशन के सहयोग से सुबह रू बनारस के मंच पर एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि की राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश सदस्य व भाजपा प्रदेश मंत्री श्रीमती मीना चौबे, रूप विशिष्ट अतिथि इंटरनेशनल थर्टलेट श्रीमती मुड़ी नीलू मिश्रा रही। इनके अतिरिक्त डॉक्टर नूतन सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण आर्ज, शशांक रेड ईएम, श्री सत्येंद्र शर्मा एवं अन्य मान्यगणों ने महिला मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बात की एवं समाज को इससे जुड़ी बातों से अवगत कराया। द मेहनी एक प्रयास है समाज को महिलाओं के नजरिए से समझने के लिए। आज इस उपलक्ष्य पर आव्या मनीषी फाउंडेशन में 1000 डिग्निटी कोट महिलाओं को वितरित किया एवं इसे निरंतर 2030 तक हर साह वितरित करने का संकल्प लिया, जिसमें रोली सिंह, स्वच्छता इतरही इस मुहिम को हर घर तक पहुंचाने में क्रिस्पी सिंह ने संकल्प लिया। प्रॉपर मेंस्ट्रुअल किट है, प्रॉपर किट है। विनीत भैया, तो सभी लोग लेके जाएंगे और अगले एक साल तक द गहनी फाउंडेशन और अभिया मनुष्य फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं का नाम नंबर नोट किया गया है। अच्छा, बता दीजिए। मैं विनीत राय। किस प्रकार का प्रोग्राम आप कर रहे हैं? हम लोग की एक संस्था है जो द गहनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग महिलाओं के इश्यूज़ पे काम करते हैं। साथ ही हमारी एक जो ट्रस्ट है आव्या मनीषी फाउंडेशन, उसके थ्रू आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, उसके समक्ष इन्हें ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड क्या इश्यूज़ होते हैं महिलाओं के, क्या समस्याएँ आती हैं उनको उस टाइम पर, क्या साइकोलॉजी प्रेशर आता है जैसे स्विंग मीड एंड ऑल, तो वो हमारे डॉक्टर पैनलिस्ट हैं, वो लोग इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि उससे कैसे निजात पाया जाए या उस समय पे क्या सावधानियां बरती जाएं जिससे उससे होने वाले रोगों के से रोकथाम हो पाए और वो अपना जीवन यापन कर पाए। इसी बैनर पे लिखा हुआ महिलाओं के हक की आवाज़, इसको दबाया ना जाए, तो 2014 के बाद से ऐसा तो नहीं लग रहा कि महिलाओं को कहीं दबाया जा रहा है या हक की आवाज़ की बात हो रही है? नहीं, जब आप हक की आवाज़ कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को कह रहे हैं कि दबाया जा रहा है या क्या है। महिलाओं के हक में हम बात करते हैं और उनकी हम आवाज़ बनना चाहते हैं, उनसे जुड़ी हर समस्याएँ हम आगे समाज में रखना चाहते हैं जिससे सरकार और समाज जो है उसके बारे में और समाज उसके बारे में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अनभिज्ञ जो रहे हैं या जो हमारी उनकी समस्याएं हैं उनको समाज के सामने ला के और एक बदलाव की दृष्टि से ये किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे मौके पर कार्यक्रम को लेकर महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं का जैसे कि अभी हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जब हक की आवाज़ आप बोलते हैं तो जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें इक्वालिटी उनकी होनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार हो गया या फिर जैसे उनके आत्मनिर्भरता हो गई कि वो अपना सेपरेटली एक जैसे फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो किसी भी डिसीजन मेकिंग में महिलाओं का अधिकार मतलब जो आवाज़ होती है घर में वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है, वो अधिकतर पुरुष ही कहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं उस फील्ड में भी आगे आएं और चूँकि आप देख रहे हैं कि पूरे देश को भी सीता निर्मला रमण जी पूरे देश को संभाल रही हैं वित्तीय फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, तो इन सब चीज़ों में भी वो आगे आएँ, पढ़ें, अपने आप को स्वावलंबी बनाएँ और समाज में अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करें।